एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे हम बात करते हैं अलग अलग विमेन से इन इंडिया हु आर इनटू अल्ट्रा रनिंग। और आज मेरे साथ है राजश्री माल्या। राजश्री इज एन अल्ट्रा रनर इन इंडिया, बेस्ड आउट ऑफ सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, और उन्होंने बहुत सारा अल्ट्रा रन किया है। अगर मैं थोड़ा सा बात करूँ उनकी रनिंग जर्नी में, आई थिंक उन्होंने स्टार्ट किया रनिंग इन 2016, बट 2021 एंड 22 आर दोज इयर्स जहाँ पे उन्होंने मेजरली अपना अल्ट्रा रन किया है। तो शी हैज डन 50 किलोमीटर्स माथेरन रन इन 2021, जो कि उनका पहला अल्ट्रा रन था, एंड शी गॉट अ पोडियम, फर्स्ट प्लेस इन दैट इटसेल्फ, वेरी नाइस। एंड देन इन 2021 उन्होंने स्टेप अप किया टुवर्ड्स 12 आवर स्टेडियम रन, व्हिच हैपेंस आल्सो इन मुंबई समवेयर बिटवीन जून जुलाई। फिर उन्होंने 2022 में सिंधगढ़ रन किया 32 किलोमीटर्स, नाइट रन था वो, पोडियम मिला उसमें भी उनका, सेकंड प्लेस। देन 2022 में उन्होंने दिल्ली में 12 आवर स्टेडियम रन फिर से किया। फिर बात करें तो उन्होंने टाटा अल्ट्रा मैराथन किया 50 किलोमीटर्स, पुणे अल्ट्रा मैराथन किया 50 किलोमीटर्स इन 2022 इटसेल्फ, एंड देन उन्होंने कारगिल विजय दिवस रन किया इन 2022 फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली। अगर आप थोड़ा सा सोचे, मुंबई से दिल्ली तक भाग के जाना 145 किलोमीटर्स, एंड देन शी फिनिश्ड ऑफ 2022 विद 100 किलोमीटर्स हेल ब्रेस बॉर्डर अल्ट्रा, व्हिच हैपेंस इन जैसलमेर टू रामगढ़। सो दैट्स अ बिट ऑफ एन इंट्रोडक्शन अबाउट राजश्री माल्या। लेट्स ऑल वेलकम राजश्री। थैंक यू सो मच राजश्री फॉर जॉइनिंग मी टुडे, वेरी गुड मॉर्निंग। जस्ट टेल मी, हाउ डिड यू पिक अप रनिंग? ये कहाँ से आया रनिंग का जोश एंड ऑल? गुड मॉर्निंग मीनल, मुझे रनिंग में पहले से इंटरेस्ट था। मैं बचपन से स्पोर्ट्स में बहुत ये थी, एक्टिव थी। मैंने रनिंग और मेरा बैडमिंटन और मेरा हाई जंप, मेरा स्पोर्ट्स ये था, बहुत पसंद का गेम था मेरा पहले से, स्टार्टिंग से। बाद में मैंने सेवेंथ के बाद मैंने थोड़ा एक्टिविटी थोड़ा कम किया, क्योंकि स्टडीज के साइड भी ध्यान देना था मुझे, स्टडीज के साइड ध्यान दिया मैंने। बाद में पढ़ाई में किया, डिग्री होने के बाद इमीडिएट मेरा शादी भी किया मैं। बाद में फैमिली लाइफ में बिजी हो गए, मुझे 20 साल कुछ इसमें टच ही नहीं था रनिंग में या एक्टिविटी में, मैं टच में ही नहीं, फैमिली लाइफ में बिजी हो गई थी। मुझे 2003 में मैरिज हुआ था, 2004 में मेरा मुझे बच्चा हो गया, मैं उसमें फैमिली इसमें बिजी हो गई, उसका पढ़ाई इसमें सब मैंने उसमें बिजी हो गए। आफ्टर में बाद में मैंने सोचा कि कुछ तो करूं। 2016 में मैंने थोड़ा उसका वो बड़ा हो गया, उसका अपने ये करने लगा, मैंने सोचा मैं भी कुछ करूं। घर में इतना साल घर में बैठी हूँ, मैंने वॉकिंग चालू किया, मैं बाहर जाती थी, वॉकिंग करती थी सब। मैंने हेल्थ इश्यू के बाद ही ये किया, मुझे भी थोड़ा थायराइड का प्रॉब्लम सब चालू हुआ था, हाइपर थायराइड था, इससे मेरा वेट भी, मैं बहुत कम हुई थी, वेट भी कम हुआ था मेरा, मेरा 43 था वेट, मेरा हाइट 5'7" था। मेरे हाइट और इसके से वेट बहुत लूज होता जा रहा था, खाली मेरा आईज ही दिखता था, बॉडी में कुछ यही नहीं था, इतना स्किनी हो गई थी। मैंने सोचा मेरे लिए भी कुछ करूं मैं कहकर, मैंने तब स्लोली वॉक चालू किया। बाद में मेरे हस्बैंड के साथ मैं डेली मॉर्निंग रनिंग के लिए भी जाती थी 5 किलोमीटर ऐसा, वो भी रन मतलब ऐसे नहीं कि एक ही स्पीड में भागू, रन वॉक स्लोली ऐसा करती थी। बाद में के कोच भी राजा कहकर, वो भी ये थे कोच थे, उनके पास वो ट्रेनिंग लेते थे ऑलरेडी, उन्होंने बोला तू क्यों रनिंग में नहीं करती है कहकर, मैंने सोचूंगी कहकर मैं आती थी डेली, एक महीना ऐसे ही बोल के चलती थी और आती थी। बाद में मैंने फर्स्ट जिम ज्वाइन किया, थोड़ा टाइम जिम वर्कआउट भी करना है, रनिंग इतना इजी नहीं मैंने सुना था। मुझे रनिंग के बारे में स्कूल डेज में हम लोग भागते थे 800 मीटर ऐसा ये था हमारा, स्प्रिंट रन था, ऐसा नहीं था कि लॉन्ग रन, मैंने कभी नहीं किया था। बाद में मैंने सोचा इसके लिए सब बॉडी वर्कआउट चाहिए होता है, प्रोटीन चाहिए होता है, ऐसा सब मैंने सुना था, और रनिंग के बारे में कुछ आइडिया नहीं था।
मैं मुंबई आई थी, मुझे कुछ आइडिया नहीं था रनिंग के बारे में, प्रिपेयर भी नहीं थी रनिंग के लिए, फिर भी करूंगी। कहकर मैंने, हम हॉलीडे मनाने के लिए गोवा गए थे, तब वहां के बीच में 5 किलोमीटर का रन हुआ था, मैंने फर्स्ट ओके वो रन में पार्टिसिपेट किया। वो भी कंटिन्यूस हम रन नहीं था, रन वॉक करके मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। फिर भी मेरा आई रन। थिंक आपका बहुत अच्छा टाइमिंग रहा था आपके वेरी फर्स्ट 5 किलोमीटर्स में। हाँ, उसमें अच्छा टाइमिंग आया। बाद में भी सब लोगों ने बोला तेरा अच्छा टाइमिंग आया है, तू रनिंग में कंटिन्यू कर, रन चालू कर, कहकर ऐसा बोलते ही मैंने सोचा अच्छा टाइमिंग है तो मैं थोड़ा प्रैक्टिस ज्यादा करूंगी। कहकर मैंने थोड़ा ट्रेनिंग में भी ज्वाइन हो गई थी बाद में, राज सर के पास, राज वड़गम्बा के पास। अच्छा एक मिनट, मैं यहाँ पे आपको रोकूंगी राजश्री। अब ओके, पहली बात तो मैं मेंटल कैलकुलेशन कर रही थी, मुझे यकीन नहीं आ रहा वो सही है कि नहीं। इज दैट राइट कि आपका बेटा अभी 19 ईयर्स का है? हाँ, ओ गॉड, 19 ओके, यू नो दैट दैट्स काइंड ऑफ एन अचीवमेंट। तो यू हैव अ 19-year-old सन ऑलरेडी, और है। आपने रनिंग स्टार्ट किया आई थिंक 2016 में, राइट? हाँ, वो 7th स्टैंडर्ड 8th स्टैंडर्ड में ऐसा वो टाइम में मैंने अरे चालू किया रनिंग। वेरी नाइस। और आपने जिम कब स्टार्ट किया राजश्री? जिम मैंने 2018 में किया था, क्योंकि 2016-17 में उतना नहीं करती थी, छोटा छोटा रन में ही मैं पार्टिसिपेट करती थी, 5-10 5-10 इसमें किया। बाद में मैंने 21 किया, 21 करने के पहले मैं जिम ज्वाइन हो गई थी। ओके तो मुझे लगा पहले बिकॉज आपका वेट कम था जैसे आप मुझे बता रहे थे, हाँ तो हाँ आपने वेट इंक्रीज करने के लिए मुझे लगा आपने शायद जिम ज्वाइन किया होगा, बट नहीं, ऐसा मैं नहीं। वेट इंक्रीज करने के लिए रनिंग के पहले मेरे सास ने मुझे प्रोटीन शेक पिलाया, दूध में मिला के 1 साल उन्होंने भी बहुत ये किया, किसके वजह से वेट नहीं बढ़ रहा है उनको वो भी टेंशन होता था। बाद में मैंने सब टेस्ट किया, सब किया, मेरे बेटा बॉर्न होने के बाद, तब मुझे थोड़ा साल के बाद मुझे थायराइड आ गया, तो ओके नहीं, बोलिए। थायराइड के वजह से मुझे वेट कम होते गया। ओके तो आपने थायराइड को कंट्रोल करने के लिए रनिंग स्टार्ट किया, ऐसा हाँ, बोलूंगी तो सही है? तो वही वही थायराइड कंट्रोल आपने करने के लिए रनिंग चालू किया था, क्योंकि बॉडी को एक्सरसाइज चाहिए बोला डॉक्टर ने, ना तो वॉक चालू कर ना तो रन चालू कर, ऐसा मुझे डॉक्टर ने मुझे बोला भी था, एटलीस्ट हाफ एन आवर या 1 आवर तेरे लिए तू टाइम निकाल के। रनिंग ओके तो आपका वेट इंक्रीज हुआ रनिंग से? से अभी मेरा वेट 59 किलो है, मैं पहले ओके 43 किलो थी। तो दैट इज योर आइडियल वेट आई थिंक एज पर योर हाइट, हाँ है ना? हाँ अरे वेरी नाइस। मैंने बहुत लोगों को सुना है रनिंग चालू करने के लिए कि जिनको वेट लूज करना होता है, पर मैं ओके, पहला ये पहला मैंने इंसान भी हूँ। सुना है कि हाँ मेरे इसमें मुझे मेरा अलग ही हो गया, मेरा वेट कम था रिवर्स हो गया, वेट गेन हो गया मेरा, अच्छा हुआ। ओके वेरी नाइस। और आपका थायराइड का कैसा रहा उसके बाद वो राजश्री? मेरा तो थायराइड अभी नॉर्मल है, मेरा थायराइड का भी ये नॉर्मल है, आप कोई मेडिसिन नहीं लेते? मेडिसिन है, वो लाइफलॉन्ग बोला है डॉक्टर ने, मेडिसिन तो थायरोनॉन ले रही हूँ मैं, फिर अच्छा मेरा 6 मंथ के एक बार, 6 मंथ में एक बार टेस्ट भी सब कर रहे हैं, तब वो नॉर्मल आता है, और मैं ओके अल्ट्रा जाने के पहले भी फुल बॉडी चेकअप सब करके ही जाती हूँ, ओके रिस्क नहीं ओके लेना है फिर। पर आपको इससे फायदा लगा राइट रनिंग बहुत करने में? फायदा हुआ, पहले ओके दैट्स के वेरी नाइस। राजश्री और अभी के राजश्री को देखा तो बहुत चेंजेस है, आप नहीं मानेंगे, पहले के राजश्री को देखा तो ये राजश्री है क्या, ऐसा आपको शॉक लगेगा ऐसा है। देखो मैंने पहले की राजश्री नहीं देखी, पर मैंने अभी की नहीं। राजश्री की पिक्चर्स देखी तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल हीरोइन टाइप्स है। यू नो इट्स सो नाइस टू लुक थैंक एट यू। आपके यू ओके। इंस्टा पे मैंने काफी सारा पिक्चर्स देखा आपका, नाइस। राजी ऑल्सो आप मुझे थोड़ा सा अपने हस्बैंड के बारे में भी बताइए। आई थिंक आपके हस्बैंड ने आपको काफी प्रमोट किया रनिंग के लिए, राइट? बहुत किया है, क्योंकि मैं बाहर, घर से बाहर निकलने के लिए वही मुझे मोटिवेट कर रहे थे, मोटिवेट बहुत कर रहे थे। पहले मैं स्टार्टिंग वॉक किया तो मेरे साथ वो स्लो रन वॉक अपना रन छोड़ के मेरे लिए करते थे 1 घंटा, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर भी मेरा टाइमिंग एक दिन भी अच्छा नहीं आए तो अच्छा नहीं कहकर नहीं बोलते थे, और
कल और अच्छा कर सकती है, आज इतना कर कल अच्छा और अच्छा हो जाएगी, स्टार्टिंग में कुछ ये मत कर ऐसा बोलते थे मुझे, ये एनकरेज करते थे, कभी भी डिमोटिवेट नहीं किया हम। ओके okay. तो आपके हस्बैंड का कोई रनिंग बैकग्राउंड था, वो खुद पहले से रन करते थे, कुछ ऐसा नहीं था क्या? पहले पहले नहीं रन करते थे, उनको थोड़ा हेल्थ इश्यू हुआ, 130 वेट था उनका, उन्होंने अपना वेट कम करने के लिए उन्होंने रनिंग चालू किया था, वो बोला भी था डाइट और रन कर वॉक चालू करना, उन्होंने रन चालू, और कब किया उन्होंने रन स्टार्ट? उन्होंने 2014 और 15 के बीच में किया। ओके, पहले उन्होंने खुद स्टार्ट किया और फिर 2016 में उन्होंने आपको मोटिवेट किया कि हाँ रनिंग स्टार्ट हाँ करें। उन्होंने खूब चालू किया था, और उन्होंने भी मैराथन तभी चालू की तो उसके पहले वो भाग नहीं रहे, रनिंग नहीं ओके चालू किया था उन्होंने पहले स्टार्टिंग। हाँ, नाइस। तो एक चीज बताइए राजश्री, नाउ आपने ठीक है आई थिंक 2016-17 में आई थिंक आप 5-10 किलोमीटर्स भागते थे, राइट? जी तो अब 5-10 किलोमीटर्स भागने के बाद आई एम श्योर कि आपका वेट ठीक हो गया होगा, राइट? फिर आपने हाँ, उसको स्टेप अप करने का क्यों सोचा, हाफ मैराथन भागने का क्यों सोचा? मैंने हाफ मैराथन मतलब मेरा 5K और 10K में टाइमिंग अच्छा आने लगा, मैं और अच्छा कुछ कर सकती हूँ ये करके, घर में बैठने से अच्छा कुछ इसमें आगे बढ़ू के, घर अभी इतना साल मैं घर में बैठ चुकी थी, मुझे कुछ तो करना है, घर से बाहर निकलना था, मुझे एनकरेज भी मेरा बेटा और मेरा हस्बैंड दोनों कर रहे थे, इसलिए मैंने वाह, पीछे मुड़ के नहीं देखा, इसलिए मैं आगे ओके, बढ़ते गई। दैट्स वेरी नाइस। आई थिंक यू आर वन वुमेन राजश्री, आई थिंक आप मतलब हाउस वाइफ है, राइट? हाँ, तो आई थिंक हमेशा बोलते हैं कि लड़कों के पीछे लड़कियां होती हैं, राइट? देयर इज ऑलवेज अ वुमेन बिहाइंड अ मैन, बट आपके केस में आई थिंक यू डोंट हैव वन मैन बिहाइंड यू, इट इज टू मैन हु आर सपोर्टिंग यू। वेरी नाइस टू नो राजश्री। तो ओके, तो आपका टाइमिंग कितना था 5K 10K का अप्रोक्सीमेटली एट दैट? 5K में मेरा टाइमिंग स्टार्टिंग 35 मिनट्स था, फर्स्ट इसमें 35 आया था, बाद में आगे जाते जाते मेरा 5K में 27 मिनट में मैंने किया, मेरा नेक्स्ट में मैराथन था जीएससी का, जीएससी में मैंने 5 किलो फर्स्ट मेरा जीएससी का मैराथन था, उसमें मैंने 27 मिनट में किया, वेरी नाइस, उसमें ओके। फर्स्ट भी आई थी, मुझे अच्छा भी लगा, मैं इतना अच्छा कर सकती हूँ, मैं पोडियम, मुझे सच बोलूं मैं वो टाइम में मुझे पोडियम नहीं मालूम था, और रनिंग मैट होता है वो भी मालूम नहीं था, उतना यही नहीं था, रनिंग के बारे में कुछ भी ये नहीं था, पर ओके, नाइस, उस ओके। दिन मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि रनिंग मैट होता है वो मिस मत कर, और खाली रनिंग बिग पहन के भागना है, और कुछ आगे पीछे मत देख, स्ट्रेट भागते जा, टाइमिंग के ऊपर टेंशन मत रहे, ये सब बोल रहे थे, और मुझे मैं पोडियम आई वो भी मुझे मालूम नहीं था, मेरा नाम अनाउंस होते ही मुझे समझ में आया मैं पोडियम, ओह वाओ, वेरी नाइस। तो आई मुझे थिंक समझ में आया रनिंग में भी फर्स्ट सेकंड थर्ड मैराथन में होता है क्या, तब तक मुझे लवली, कुछ आइडिया नहीं था रनिंग के। लो लवली, ओके। आई थिंक आपका टाइमिंग बहुत अच्छा था, 27 मिनट्स इज एक्चुअली वेरी वेरी गुड, और आपने बहुत जल्दी पिकअप किया, आपने 2016 में रनिंग स्टार्ट किया एंड यू हाँ पिक्ड अप वेरी फास्ट। तो फिर 20 हाफ मैराथन आपका कब हुआ, फर्स्ट या फुल मैराथन कब रहा? नहीं, मेरा 2019 के एंड में मैंने हाफ मैराथन चालू किया था, एंड में 3-4 मैराथन मैंने किया है, स्टार्टिंग मेरा हाफ मैराथन में टाइमिंग इतना अच्छा नहीं आता था, क्योंकि 2:40, 2:35 ऐसा, 2 hours 40 minutes, 2 hours 35 minutes ऐसा होता था, क्योंकि मुझे उतना ये नहीं था, मुझे और ना बहुत तकलीफ भी होता था स्टार्टिंग स्टार्टिंग 21, मतलब ब्लिस्टर आना पैर में, और मेरा साइड लेग सब रैशेस होता था रनिंग के टाइम, 20 के बाद में 15 के बाद तो मैं बहुत ये होता था, मुझे बहुत रैशेस आता था, खून भी आता था, मतलब मैं वैसलीन लगाती थी, ब्लिस्टर आने या आना है कहकर सॉक्स के अंदर भी वैसलीन लगाती थी, सॉक्स से ये करती थी, फिर उतना ही आइडिया नहीं था ना, मुझे बहुत पेन होता था, 2-3 दिन बहुत पेन रहता था, सब सोचती थी नहीं भागो, ऐसा सोचती भी थी मैं मन में क्यों भाग रही हूँ, और 2 दिन के बाद ठीक होते वो बस प्रैक्टिस के लिए निकलती थी।
ओके वेरी नाइस। आई थिंक इस चीज को समझाना बहुत मुश्किल है ना राजश्री, अगर एक लेमन पर्सपेक्टिव से सोचा जाए। अब आपको इतना पेन हो रहा है, आपके ब्लिस्टर्स हो रहे हैं, आप इतना कुछ कर रहे हो, फिर भी आप भागने के लिए 2 दिन बाद वापस चले गए। आई हाँ डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन दैट टू अ नॉन रनर, इट इज वेरी डिफिकल्ट राइट। नहीं, मैं सोचती थी अब सब चीज में हम गिव अप करके घर में बैठेंगे और आगे नहीं बढ़ सकते, मैं वो सोचती थी। अभी मौका मिला है तो कभी किसी को ऐसा नहीं मौका मिलता, सब सपोर्ट करते हैं घर में। मुझे अभी इधर दोनों तरफ से सपोर्ट मिल रहा है, बेटे के भी हस्बैंड का भी, और मैं मेरे लिए उन लोग एडजस्ट भी हो रहे थे। अभी स्कूल जाना मतलब उनको टिफिन भी देना पड़ता था मुझे, उसका वैन भी आने का टाइम होता था, सब टेंशन रहता था मुझे। फिर भी मैं वो सब करके मेरे प्रैक्टिस के लिए मैं 1 घंटा लगाती, टाइम रखती थी मैं। ओके नाइस नाइस वेरी नाइस। वो तो सब नहीं करूंगी तो मुश्किल नहीं लगता था मुझे, चलता है 1-2 दिन में सब ठीक हो जाएगा, ऐसा सोचती। नहीं, नाइस, आई अग्री। आई थिंक रनिंग बहुत ही बड़ा पैशन है, एक बार आप करने लग जाओ, आपको अच्छा लगने लग जाए ना, तो इट्स हार्ड टू स्टॉप। मतलब कितना भी मुश्किल आए, देन हमेशा वही रहता है कि वी हैव टू क्रॉस इट, वी हैव टू फाइंड सॉल्यूशन, और फिर हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना है। बिल्कुल। तो राजश्री, नाउ इसके बाद आपने कुछ हाफ मैराथन किया 2019 में, तो ये हाँ, फुल मैराथन कब पिक्चर में आया? मैंने 2019 के बाद फर्स्ट मैंने वसाई विरार किया था, फुल मैराथन। ओके। वो मेरा वसा विरार फर्स्ट मैराथन था, फुल मैराथन था, 5 hours 5 minutes लगा था मुझे टाइमिंग। दैट्स गुड टाइमिंग। उसमें भी क्या होता था, स्टार्ट सुबह के टाइम रहता था, अच्छा होता था। आते टाइम थोड़ा व्हीकल से मूव ऑन होता था, तब थोड़ा डिस्टरबेंस होता था, अरे कितना बाकी अभी वापस ये इसमें भागना है, ऐसा लगता था, पैर भी नहीं सुनता था आगे जाने के। फिर भी मैंने फर्स्ट है मेरा, अच्छे इसमें करना है कहकर मैं पानी भी इंटेक करती थी, धूप भी था, उतना एक्सपीरियंस नहीं था फुल मैराथन का मुझे, उस स्टार्टिंग था मुझे। एक है कि मुझे भागते टाइम म्यूजिक सुनने का आदत है, बोलते हैं वो अच्छा आदत नहीं है, क्योंकि वो एक बहुत शौक है पहले से, स्टार्टिंग से अकेले रहूंगी तो भी मैं म्यूजिक सुन के बैठती हूँ घर में भी। वो मेरा स्टार्टिंग से भी कान, एक कान ये करती हूँ, एक कान में मैं ईयरबड डाल के भागती हूँ, क्योंकि एक कान ट्रैफिक के समझ में आना चाहिए कि एक कान में ये करके रखती हूँ। वो उसमें ये हो के मैं रनिंग में करके मेरा टाइमिंग अलग था, उसमें भी मुझे ब्लिस्टर आया था, मेरा 35 होने के बाद मुझे ब्लिस्टर आया, वो सॉक्स के अंदर मेरे, फिर भी मेरे छोटा ये लेके जाती थी मैं वैसलीन का बॉटल, स्टार्टिंग स्टार्टिंग वो मैं सॉक्स ये करके लगाती भी थी। फिर ब्लिस्टर में बहुत प्रॉब्लम होता था, वो पानी भर के वो फोड़ने के बाद ही भाग सकते थे, वैसा था मुझे। मैं बीच में आपकी फर्स्ट एक, मैराथन में भी? हाँ मेरा फर्स्ट फुल मैराथन में मुझे, मैं अभी अल्ट्रा के उतना ही नहीं लग रहा है मुझे, पहले स्टार्टिंग स्टार्टिंग मुझे बहुत तकलीफ हुआ, मैंने बहुत तकलीफ उठाया है, क्योंकि मुझे लेग में बहुत प्रॉब्लम होता था, लेग में मतलब ब्लिस्टर और रैशेस ज्यादा आता। तो बेसिकली अगर मैं आपको समझने की कोशिश करूं राजश्री, आप कह रहे हैं कि आपको बहुत सारा ब्लिस्टर आता था, रैशेस भी होता था, जो बहुत नॉर्मल है स्पेशली फॉर वुमेन, है ना, अगर हम देखे जाए, और जैसे जैसे वो लॉन्ग रनिंग करते हैं। तो जस्ट फॉर लिसनर्स, व्हेन वी डू मैराथन ट्रेनिंग, अगर रैशेज आते हैं उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है, उसको प्रिवेंटिव केयर लेना इट्स ईजी। मतलब कि होने से पहले ही हम अगर कोई भी जेल्स लगाएं तो इट्स इजी। अब जेल बहुत सारी मार्केट में जेल्स आती हैं जो रैशेस को होने ही नहीं देती, या फिर द इजिएस्ट वे इज आई थिंक वैसलिन। अगर आप हाँ, वैसलिन, मैंने भी वैसलीन ही लगाया है, स्टार्टिंग वैसलीन ही लगाती थी, उससे मुझे कुछ फर्क नहीं। अभी मैं कोकोनट ऑयल लगाती हूँ, अच्छा, दैट्स कोकोनट ऑयल बेटर फॉर से यू। मुझे हाँ बहुत फर्क पड़ा है, पहले मैं वैसलीन ही सब जगह लगाती थी, मुझे कुछ ये नहीं, एक पसीना आने के बाद वो रैशेस होता ही था, वो सबको नॉर्मल लोगों को भी होता है, अभी 10K कुछ लोग 10K भी करते हैं उनको भी होता है रैशेस, वो ये नहीं है। रैशेस हो के बाद में ना लॉन्ग रन में क्या होता है और ज्यादा होता जाता है,
इसलिए ये करने के लिए मैंने अभी वैसिन से ज्यादा मैं कोकोनट ऑयल ज्यादा यूज कर। ओके, तो आपको सूट करता है। हाँ बहुत सूट कर। अच्छा, मैंने वैसलिन किया राजश्री, मुझे ऐसे लगता था अगर मुझे लॉन्ग रन करना है तो मैं अपने आप को पूरी बॉडी को ऐसे ग्रीस करके जाती थी। मुझे लगता था जैसे मशीन को ऑयल नहीं किया जाता ताकि वो हाँ स्मूथ चले, तो मुझे लगता था मतलब हमारी बॉडी में एक मशीन बना दी है ताकि वो हाँ प्रॉपरली भाग पाए। मतलब बहुत मतलब अच्छा फीलिंग नहीं आता ना, एक तो हाँ गर्मी है सच ऊपर से में। तुम ऐसे मतलब क्रीम लगा रहे हो, तेल लगा रहे हो, बट इट हेल्प्स है या ना। बहुत हेल्प करता है उससे ना, मन भी डाइवर्ट नहीं होता है, क्योंकि एक जगह आपको घिसने लगे ना मन, उसमें ही ये हो जाता है, ये प्रॉपर रहेंगे ना भागने में उतना टेंशन भी नहीं होता है। राइट, एब्सोल्युटली राइट। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट राजश्री जो आप लेके आए हैं, बिकॉज इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड रनिंग कोई ऐसी फीमेल नहीं थी जिससे मैं ये बातें पूछ सकूं, बट धीरे धीरे मैंने धीरे धीरे नेटवर्क बढ़ाया जहां से मुझे पता चला कि ऐसे भी होता है कि तुम होने से पहले लगा के जाओ ताकि वो प्रॉब्लम आए ही नहीं। इट्स मच इजियर। थैंक्स फॉर ब्रिंगिंग दैट। अब राजश्री टेल मी, आपका फर्स्ट अल्ट्रा मैराथन कैसा था, उसमें आपका पोडियम कैसे आया, आपने कैसे तैयारी की, क्यों सोचा कि अब अल्ट्रा मैराथन करते हैं? नहीं, मैंने हाफ मैराथन बहुत सारा किया, 10K, 5K, बाद 21 में बहुत सारा किया। बाद में सोचा 21 में करें, सब लोग फुल मैराथन बोलते हैं, सब भागते भी है, मैं क्यों ना करूं। कहकर मैंने प्रैक्टिस के लिए, फुल मैराथन के लिए मैंने प्रैक्टिस चालू ही किया था। पहले मैं स्टार्टिंग में 21 से 25 किलोमीटर किया, बाद में 30 करती थी, एक हफ्ता 35, ऐसे ग्रेजुअली इंक्रीज करते गई किलोमीटर्स। बाद में मैंने एक दिन सोचा कि फुल एक बार करके देखूं प्रैक्टिस के लिए। मैंने टाइमिंग और पोडियम के लिए नहीं भागती थी मैं, खाली मुझे उसमें बहुत अच्छा लगता था, मन को भी अच्छा लगता था, मेरा ये भी अच्छा हो जाए कहकर मैंने किया। तो मुझे स्टार्टिंग मेरा प्रैक्टिस में सब ना 5:30 इसमें करती थी, 5 या 30 मिनट सब लगता था, 42, फिर भी चलेगा, मैं कंप्लीट तो कर पाऊंगी कहकर मुझे वो ये आ गया, कॉन्फिडेंस आ गया। बाद में मैंने 42 का रजिस्ट्रेशन किया था वसाई विरार। उसके बाद मैंने वसाई विरार मैंने 5 घंटा 5 मिनट लगा था, फिर भी चलेगा, अच्छा टाइमिंग है और अच्छा कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने 1 महीने के बाद मैंने TMM रजिस्टर किया, 2020 में किया था मैंने, KMM कौन सा रन है? टाटा मुंबई मैराथन। अच्छा, TMM टाटा हाँ मुंबई फुल, हाँ मैराथन। ओके, हाँ जी। फुल मैराथन। उसमें मेरा 2 hours 27 minutes में हुआ फुल ओके मैराथन। ओके मैंने नाइस। एक मिनट राजश्री, आपका फर्स्ट फुल मैराथन आपने 5 hours 5 मिनट में किया, उसके 1 महीने बाद आपने नेक्स्ट फुल मैराथन किया जो आपने 4 hours 27 मिनट्स में किया। दैट्स अ मैसिव इम्प्रूवमेंट, लाइक हाँ मोर देन मुझे करना था। 35 और मिनट मुझे ना स्टार्टिंग से मुझे TMM का रूट भी बहुत पसंद है। TMM में इसमें मैंने 21 में भागी हूँ, सब किया है, मुझे वो रूट, वो सीलिंग का रूट, उसमें भागना है कहकर मुझे बहुत मन होता था। वो खाली 42 वाले भाग सकते हैं ऐसा सुना मैंने, अच्छा सीलिंग का ये है ना, उसमें 42 वालों, फुल मैराथन वालों को उसमें भाग के आपको प्रभा देवी ये करके जाना रहता है, ओके। इसलिए मैंने 42 TMM का रजिस्ट्रेशन, एक ही महीना था मुझे वसाई विरार होने के बाद। मैंने अच्छे से प्रैक्टिस भी किया नहीं, बट मुझे था। राजश्री विल ब्रेक डाउन हियर। पहले बात तो ये बात तो मैं आपकी समझ गई। आई थिंक फॉर एवरी मुंबई रन रनर ना, टाटा मुंबई मैराथन तो उनका मतलब बाय डिफॉल्ट है कि उन्होंने भागना ही है, बाकी वो कुछ मर्जी करे पूरा साल, राइट। बट लेट्स ब्रेक डाउन, आपने 1 महीने में नियरली 38 मिनट्स का इम्प्रूवमेंट किया इन योर मैराथन टाइमिंग, वो आप उसमें आपने ऐसा क्या स्पेसिफिकली किया, थोड़ा सा बताएंगे उसके बारे में? उसमें मैंने जिम में भी पर्सनल ट्रेनिंग लिया था और मैं ट्रेनिंग में भी ज्वाइन हुई थी राजोड़ागम्बा के पास, कोच है मेरा, उनके पास मैं ज्वाइन हुई थी, उनके पास भी मैंने ट्रेनिंग रेगुलर जाती थी, ट्रेनिंग भी मैंने शिद्दत से किया है। और मेरा फूड का डाइट के तक कुछ किया नहीं मैंने, मैं नॉर्मल साउथ इंडियन फूड ही खाती थी,
ऐसा डाइट में खाली मैं तेल का नहीं खाती थी, खाना तला हुआ चीज नहीं खाती थी, और मैं नॉर्मल फूड ही क्वांटिटी नॉर्मल क्वांटिटी में ही खाती थी। ओके अभी भी मैं वैसे ही फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं खाती हूँ ना, मैं ये हो जाती हूँ, डाउन हो जाती हूँ, रेगुलर फूड चाहिए होता है। मतलब आपका डाइट में कोई चेंजेस नहीं आया रनिंग के कारण, आप नॉर्मल खाना खाते हैं, हाँ नॉर्मल खाना ही तो आप खाती हूँ। प्रोटीन पाउडर वगैरह पीते हैं? हाँ वो जिम से आने के बाद 20 मिनट्स के अंदर मैं जिम प्रोटीन शेक करके पीती कितना हूँ, वो ग्राम? पीती हूँ हम लोग। और पहले मैं नॉनवेज नहीं खाती थी शादी के पहले, मैं शादी होने के बाद नॉनवेज खाना चाहिए, मतलब अंडा सब मैं पहले नहीं खाती थी। मैं आफ्टर मैरिज मेरे हस्बैंड खाते थे, मुझे खाना सिखाया, मैंने अभी रनिंग चालू करने के बाद अंडा सब खाना सीख गई। मैं जिम से आते ही 2 अंडा खाती हूँ, प्रोटीन शेक पीती हूँ, वो सब मेरा नॉर्मल है। और मैं एक्स्ट्रा कुछ ये नहीं करने जाती, डाइट ये सब नहीं करने जाती। मतलब अपना डाइट नॉर्मल रखते हैं। हाँ मुझे कुछ भी अच्छा, कुछ भी स्वीट कुछ खाना है ऐसा खाती हूँ मैं। संडे के दिन मेरा चीटिंग डे रहता अच्छा, है, क्या ऐसा कुछ खाते हैं आप चीट डे में? आइसक्रीम चॉकलेट सब मेरा फेवरेट है बचपन से, वो सब चीजें संडे के दिन रखती दैट्स नाइस, दैट्स सो नाइस। तो 6 days प्रॉपर स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करते हैं, बेसिकली डाइट नॉर्मल डाइट, बट हूँ। हाँ संडे थोड़ा अपने आप को लिबर्टी देते हैं। नाइस। तो आपको लगता है राजश्री कि आपको कोचिंग के कारण आपका इतना टाइम इम्प्रूवमेंट हुआ, राइट, हाँ विद इन 1 month? हाँ तो उस कोचिंग ने बेसिकली मेनली, वाज इट फोकसिंग मेनली ऑन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, या आप कैसे जैसे फाट लेग कहते हैं या टेम्पो रन करते हैं वैसे कुछ हाँ करते हैं? टेम्पोरन भी है रहता है, कोर वर्कआउट भी रहता है आपका, हिल रन का ट्रेनिंग भी रहता है। एक एक दिन एक एक रहता है, मतलब हफ्ते में 3 दिन रन का ये रहता है, बाद में संडे के दिन लॉन्ग रन रहता है, वैसा रहता है। हाँ दैट हेल्प यू। फाइन राची, तो फिर आप ये बताइए, इसके बाद अब आपने फुल मैराथन भी कर लिया, तो आपने अल्ट्रा मैराथन में क्यों आने का सोचा? अल्ट्रा मेरा ड्रीम था, मुझे एक था कि मुझे स्टेडियम रन करना है। स्टेडियम में 12 घंटा 12 आवर्स 24 आवर्स का मुझे बहुत ड्रीम है, अभी भी है। मतलब 12 आवर्स में कर चुकी हूँ, अभी मेरा फर्स्ट 12 आवर्स मैंने 2021 में किया था, मुंबई मुंबई स्टेडियम में। वो मेरा फर्स्ट रन था, मुझे उसमें भी मैंने पोडियम लिया है, मैंने सोचा नहीं था, मैंने अच्छे से किया वो रन भी। उसमें भी मैंने ऐसा नहीं कि प्लान करके भागी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब लोग एक ही जैसा भागते थे, सब रन करते थे, वॉक करते थे, मेरा एक था कि एक लूप भागू एक लूप वॉक करू, ऐसा करके मैं भागी हूँ, कंटिन्यूस भागी हूँ, ना नहीं बोलती हूँ। तो मैं रेस्टरूम के लिए खाने के लिए सब टाइम टू टाइम टाइम लेती थी, वो टाइम पे ब्रेक लेके। तो आप कह रहे हैं आप 12 घंटे में एक 12 घंटे स्टेडियम में भागे, जिसमें आप 1 राउंड रन करते थे, 1 राउंड वॉक करते थे, राइट? हाँ तो अब एक चीज बताइए राजश्री, एक टाइम के बाद आप भी तो थक गए होंगे, हाँ करेक्ट? मुझे हाँ मुझे वो फील भी होता था, यो क्यों भाग रही हूँ मैं, ऐसा क्यों भाग रहे हैं, ऐसा क्या मजबूरी है भागने का। मन में अलग अलग ये आता था, मतलब बहुत लोगों को है ना, वो टाइम तो सितंबर अक्टूबर लगता है मुझे, वो टाइम बहुत धूप भी होता है, गर्मी भी बहुत बहुत था वो टाइम पे, बहुत लोग रन के टाइम मिडिल मिडिल में गिरते भी थे, ये होके तो सब देखते ही सोचती थी ऐसा नहीं होना है, रन तो मुझे कंप्लीट करना ही है, 12 घंटा भागना ही है। हाँ क्या ऐसा राजश्री क्या था जो आपको इतना मोटिवेट करता था कि आपने कंप्लीट करना ही है, आप छोड़ भी सकते थे, राइट? व्हाट इज नहीं इट तो, देयर, मतलब? नहीं छोड़ भी सकते, मेरा वो ड्रीम है, मुझे है ना टफेस्ट रन कंप्लीट करना है, मुझे वो मेरा अभी भी ड्रीम है, और भी 2-3 मेरा प्लान है, मैं वो अभी करने वाली हूँ, मुझे करना ही है वो लाइफ में। मैं हार नहीं मान सकती, करने के पहले ना मैं हारने को नहीं तैयार नहीं, मुझे कुछ तो करना है, कि अगर वो ये था चैलेंज कर कंप्लीट करना है, कि बहुत उसमें भी बहुत तकलीफ आता है, माइंड सेट नहीं होता है, मतलब क्यों भाग रहे हो, अभी तो बैठ जाओ थोड़ी देर, ऐसा भी लगता है।
क्यों भागते हैं लोग, ऐसा भी लगता है। सब अलग अलग सोच भी आते हैं भागते टाइम, चलते टाइम से। बाद में बाहर से वो लोग एनकरेज करते हैं ना, तब लगता है अब हमारे लिए इतना लोग खड़े होके ये कर रहे हैं, एटलीस्ट कुछ तो करूं कहकर ऐसा लगती है। भागती थी मैं, कंटिन्यू करती। ओके राइट, आई थिंक यस। तो उसके बाद रन जब फिनिश हुआ, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस राज? रन हुआ, रन कंप्लीट होने के बाद मेरा सर भी थे, मेरे हस्बैंड भी थे, सब थे। सब लोगों ने बोला अच्छा किया, अभी फोटो सेशन सब हो रहा था, बाद में प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन बोला। तब मैंने सोचा नहीं था, सच बोलूं मुझे मालूम नहीं था वो, क्योंकि उधर लूप के इसमें होता है ज्वेलर्स के रंग में, हमारा गार्मिन का टाइमिंग ये नहीं, गार्मिन के से थोड़ा कम ही आता है उधर। वो हिसाब से कहकर मुझे वो प्राइस का सब कुछ मालूम ही नहीं। बाद में उन्होंने सेकंड प्राइस राजश्री मल्ल्या अनाउंस किया, तो मुझे शॉक लगा। मैं इतना अच्छी बात, और उसमें होता भी था कि सुबह का स्लॉट और नाइट का स्लॉट ये करके करते हैं। उसके हिसाब से मैं अच्छा ये करके आई, 82.8 किलोमीटर कुछ भागी। वाओ, तो आपकी फर्स्ट 12 आवर्स में आपने 82.8 किलोमीटर्स भागा। दैट्स अ वेरी गुड डिस्टेंस राजश्री, लाइक फर्स्ट 12 आवर्स रन। ऑसम, दैट्स रियली नाइस। उसके बाद मैंने एक महीने में, दिसंबर में था, दिल्ली में स्टेडियम रन था। मुझे टारगेट था 100 करना है, क्योंकि उधर वेदर अच्छा है, कोल्ड है, ऐसा सब लोगों ने बोला कोल्ड में अच्छा कर सकती है तू कहकर। मुझे ठंडी थोड़ा ज्यादा लगता है, इसलिए मैं थोड़ा डरती भी थी कर पाऊंगी कि नहीं कहकर। मुझे 100 करना है कहकर गई थी, टारगेट 100 था मेरा, हंड्रेड नहीं हुआ, 86.2 कुछ हुआ मेरा किलोमीटर। में मुझे 100 करना थी, दैट्स 100 स्टिल योर किलोमीटर ड्रीम। हाँ, इसलिए मैं दिसंबर में उपवास ये किया था। ओके, वेरी नाइस। मे बी नेक्स्ट सीजन, दिस ईयर इटसेल्फ आई थिंक मुंबई रन आएगा, यू विल डू 100। नाइस। बट एक्चुअली टेल मी अबाउट वन थिंग, मैं जितना आपके से सुन रही हूँ ना, आप एक फुल मैराथन के एक महीने बाद अनदर फुल मैराथन अटेम्प्ट कर लेते हो, आप 12 आवर्स रन करने के बाद एक महीने बाद दूसरा 12 आवर्स रन अटेम्प्ट कर लेते हो, उससे मुझे ये समझ में आता है कि आपका रिकवरी टाइम बहुत कम है, बहुत जल्दी आपकी बॉडी रिकवर हो जाती है, क्योंकि इतना लंबा रन करने के बाद कहीं ना कहीं तो हम थक जाते हैं, हमारे जॉइंट्स पे, हमारी बॉडी पे प्रेशर पड़ता है, राइट? आपको क्या लगता है, व्हाट इज द रीजन कि आपकी रिकवरी इतनी फास्ट होती है? वो तो मैं बोल ये नहीं कर सकती, मैं एक रन होने के बाद एक हफ्ता मैं रेस्ट ले लेती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि भाग रही हूँ अभी तो बस करूंगी, ऐसा लग के मैं एक हफ्ता तो मैं फुल रेस्ट लेती, जिम भी नहीं जाती हूँ मैं, वर्कआउट सब रोक देती हूँ, फूड अच्छे से खाती हूँ। मुझे लगता है फूड के, फूड नींद ये भी इम्पोर्टेंट है हमारे बॉडी के लिए, खाली भागना ये इम्पोर्टेंट नहीं, भागना और ये खाने का ये नहीं, नींद भी इम्पोर्टेंट है, नींद भी इम्पोर्टेंट है, हमारे रूटीन का, खाने पीने का भी, स्टाइल में भी फर्क आता है, उससे भी हमारे बॉडी जल्दी रिकवरी होने का चांसेस ज्यादा है। ओके, तो राजश्री मुझे थोड़ा सा और बताइए, बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू गो डीप इन टू दिस थिंग, बिकॉज आई थिंक फॉर अल्ट्रा रनर्स बहुत इंपॉर्टेंट है उनका रिकवरी टाइम जितना कम हो सके वो उतना और प्रैक्टिस कर सकते हैं, राइट? अब मुझे थोड़ा सा बताइए, आप कब से जिम ज्वाइन किया है, और जिम में स्पेसिफिकली यू हैव अ पर्सनल ट्रेनर या एक कॉमन ट्रेनर है, हाउ डज इट वर्क फॉर यू? मैंने 2017 के बाद में जिम ज्वाइन हो गई थी। जिम में मैंने 8 महीना पर्सनल ट्रेनिंग लिया है, ओके 8 महीना मैंने पर्सनल ट्रेनिंग, क्योंकि मुझे जिम में कुछ भी मालूम नहीं था, मैंने लाइफ में कभी जिम ज्वाइन ही नहीं हुई थी, और हम लोग छोटे थे तब हम लोगों को जिम का सब कुछ आइडिया ही नहीं था, और मैं गांव में बड़ी हो गई हूँ, बैंगलोर उस साइड गांव में थी मैं, ओके उस साइड से अब आपको मालूम होगा लड़कियों को 7 7:30 के बाद बाहर भी नहीं जाने देते थे। राइट सिटी में अलग, सिटी लाइफ में भी मैंने बड़ी हो गई हूँ, नहीं ना नहीं बोलती हूँ, बचपन में हम गांव में ही बड़े हो गए थे। मैंने 2017 में भी जिम ज्वाइन हो गई थी,
जिम ज्वाइन हो गई बाद में जिम, वो भी मुझे फोर्सफुली इन्होंने हमारा पहचान का एक ट्रेनर है उनसे ज्वाइन कराया। पर्सनल ट्रेनिंग मैंने 8 महीना लिया, 8 महीना मैंने कंटिन्यूस पर्सनल ट्रेनिंग, 1 घंटा मैं वर्कआउट करती थी डेली जिम में, ओके ठीक है। तो 10 to 11। उसके बाद तो आप बेसिकली 10 to 11 जब आपका बेटा स्कूल जाता होगा आप तब जिम करते थे, राइट? हाँ, जिम करती थी। हाँ, तो दैट मींस 2018 में लगा लो आपका पर्सनल ट्रेनर था, बट उसके बाद राजश्री हाउ डज इट गो, लाइक उसके बाद बाद आप? में मैंने 2020 में TMM होने के बाद कोविड आ गया। कोविड के हाँ बाद मेरा, कोविड में लॉकडाउन में घर से बाहर नहीं निकलना था। कोविड ठीक है। में थोड़ा मेरा मेंटली थोड़ा, मैं ये थोड़ा डाउन हो गई थी क्योंकि मेरा डैड और मॉम दोनों एक्सपायर हो गए थे। सितंबर में मेरा डैड को अटैक आया, वो गुजर गए। 6 मंथ में मेरा मॉम प्रॉब्लम था, कैंसर था, वो भी एक्सपायर हो गए। इसलिए मैं थोड़ा डाउन हो गई थी 2020 में। बाद में वो टाइम में मैंने थोड़ा योगा, मुझे योगा में भी ज्वाइन कराया था क्योंकि मेरा 4 to 5 माय मॉम डैड से थोड़ा कनेक्ट में रहती थी। वो टाइम में बिजी रखने के लिए योगा भी ज्वाइन हो गए मैं। शाम को शाम को, इवनिंग के टाइम में योगा भी 1 घंटा ज्वाइन हो गई थी। अभी भी मैं कंटिन्यू कर रही हूँ योगा, क्योंकि मुझे योगा टीचर मेरा प्राजक्ता कहकर है, उसने मुझे बहुत हेल्प किया है क्योंकि उस चीज से मैं, मुझे बाहर आने के लिए, इसलिए उसको भी मैं बहुत थैंक यू बोलती हूँ आज भी। नहीं, दैट्स वेरी नाइस राजी। आई जस्ट लॉस्ट माई मदर दिसंबर हाँ 2022, माई मदर एक्सपायर्ड, सो आई हाँ कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग। आपका एक रोज आपको एक बात करना होता है ना, रोज का एक हाँ एवरीडे कॉल होता है, और जब वो टाइम आता है ना, जब आप रोज कॉल करते हो, तो जब आपको वो एम्प्टीनेस लगता है, आपको पता ही नहीं होता आप किसको कॉल करेंगे वो उस टाइम पे। टाइम में ना, वो टाइम में वो लोग मेरा फुल डे का मैं उनसे शेयर करती, कुछ भी चीज हो मैं उनसे, बहुत बचपन से कनेक्ट में थी, अभी भी कनेक्ट में थी मैं बहुत। हाँ राइट, वो आई चीजें कैन। सब ना रनिंग के टाइम में भी थोड़ा फील बाहर आता है, मतलब हमारा बचपन याद आता है, उन लोगों हाँ ने किया चीज सब याद आता है। अभी वो लोग आज रहते तो मेरा खुशी को देखकर सबसे ज्यादा वो लोग खुशी हो, खुशी हाँ मानते थे कि नहीं, मेरी बेटी कितना एज थी, अभी कितना ऊंचा पहुंच गई कहती। नहीं, अभी वो सब राइट। थोड़ा फील होता है, अभी मैं उससे बाहर आई क्योंकि उनका भी नहीं कर सकती हूँ मैं। और आपने बहुत अच्छा चीज बोला, आपने वही टाइम को योगा में डाल दिया हाँ, योगा ताकि में, वो हाँ टाइम आपका फ्री नहीं रहे। वो भी मैं ये नहीं बोलती हूँ हर टाइम, क्योंकि मेरा फैमिली भी मुझे बहुत सपोर्ट करके आया, क्योंकि तू घर में बैठ के तेरा टाइम हेल्थ ये कर रही है, तू तेरा ये बिजी रखेगा टाइम, तू योगा में, योगा ज्वाइन हो जा, थोड़ा मेंटली ये हो जा के स्ट्रांग हो जा, तो मैंने योगा में ये किया। बाद में ओके मैंने 2022 में चित्तगढ़ का रन किया, ये दोनों अल्ट्रा हुआ स्टेडियम हो गया। 2021 में मैंने 12 आवर्स का किया, बाद में 21 में दिसंबर में मैंने ये दिल्ली वाला किया, उसके बाद मैंने 2022 में सिद्धगढ़ रन किया था 32 किलोमीटर। ओके वो भी इजी नहीं बोलूंगी क्योंकि नाइट रन था, 2 o'clock चालू था वो रन, और ओके लाइट भी नहीं था, सिद्धगढ़ में बहुत जंगल के अंदर था वो रन। फर्स्ट अच्छा मुझे एक रन था माथेरन का, मैंने माथेरन का किया था वो ट्रेल रन वो, और ये मुझे बहुत टफ लगा। अच्छा माथेरन में भी बहुत रूड नहीं है, फुल मट्टी और स्टोन था, वो भी बहुत टफ था क्योंकि लाइट भी नहीं है, स्ट्रीट लाइट भी नहीं था उधर तो माथेरन में। हेडलैम्प लगाना होता है। हाँ, हेडलैम्प से ही भागना रहता है, हेडलैम्प से भी आपका पैर ना बहुत टाइम ट्विस्ट हो जाता है, आपको 6 बजे तक जाला नहीं था, 6 o'clock तक माथेरन में, 5 o'clock रन चालू हुआ था, ठीक ट्वेंटी फाइव जाना 25, दो लुक था मेरा, हमारा है। फर्स्ट लुक में थोड़ा स्टार्टिंग मेरा सुबह 5 से 6 बजे मैंने स्लो ही किया क्योंकि वो रूट भी वैसा है कि पैर कभी भी ट्विस्ट हो सकता है,
राउंड में अच्छे से ये करके एंजॉय करके किया, नेक्स्ट सेकंड बाद में समझ में आया सेकंड लूप सेम रूट में है कहता। वो थोड़ा टफ लगा, टफ मतलब दूर दूर तक लोग नहीं है, खाली वॉलंटियर्स दिखते थे रनिंग में, दूर दूर तक लोग भी नहीं। 50 में खाली 25 वाले दो राउंड दो लूप मारते हैं ना, लोग भी नहीं है। ये भी क्रैम्स के आया 2 बार। तो क्या होता है उधर थोड़ा ठंड है कहकर हम लोग पानी भी कम पीते हैं, सॉल्ट भी थोड़ा कम लेते हैं। मेरा वो एक प्रॉब्लम हुआ था माथेरन, बहुत बार क्रैम्स भी आया, फिर भी मैंने अच्छे से किया माथेरन। 50 किलोमीटर माथेरन इज 50 किलोमीटर हाँ राइट। माथेरन ठीक। और आपने माथेरन कौन सी ईयर में किया था? मैंने 2021 21 में। ओके तो और अगर हम इसकी बात करें नाइट रन, ये वाला कब था आपका? सिंधगढ़, आई थिंक दैट वाज इन 2022, 22 में। 32 किलोमीटर्स हाँ राइट। ओके इसके बारे में बताइए थोड़ा सा। हाँ वो तो मेरा 2 बजे को चालू हुआ था रन, 2 बजे को सुबह चालू हुआ तो रनिंग में स्ट्रीट लाइट नहीं है ना, रोड पे कुत्ता और भागने वाले लोग छोड़ के एक लोग भी नहीं हाँ है। लगता था कहाँ जंगल में भाग रही हूँ कहकर। एक था कि वो हवा आता है, पेड़ सब हिलने लगते, कोई पीछे से पास हो गया ऐसा, कोई क्रॉस डर होके गया ऐसा फीलिंग आता था, मतलब डर लगता था। लगता। मतलब ये ओके तो लोग भी नहीं, गाड़ी भी नहीं, कुछ भी नहीं, और फुल मट्टी का रोड था आगे जंगल में, और अजीब अजीब सा आवाज भी आता था। मैं सोच रही थी यहाँ क्यों, सबसे मन में सोचा मैंने यहाँ क्यों मेरी दृष्टि किया क्यों पैरों पे था। कुल्हाड़ी मारने के लिए आया है ना? मैं नहीं कई सच बार में मैंने सोचा रोड होगा, अभी हिल्स में सब रोड भी होता है ना, रोड में रन होगा। बाद में समझ में फुल ट्रेल था, ट्रेल था। फिर भी मैंने एंजॉय किया, रन एंजॉय किया। मुझे रनिंग में ना ये नहीं लगता है क्योंकि टफ है, तो भी ना भागने का बहुत खुशी से भागती हूँ मैं, ऐसा नहीं कि नहीं भागना है, ऐसा ये मन करके नहीं भागती रनिंग में। रनिंग इज हाँ योर पैशन बेसिकली। फैशन है। मतलब हाँ शिद्दत रनिंग आई थिंक वही मुझे लगता है कहीं से करती हूँ कहीं। मैं, क्योंकि दूसरी चीज में उतना शिद्दत से नहीं करती हूँ, हाँ, रनिंग में बहुत मन से ये आता करते है। हो आप। हाँ शिद्दत ओके से इसमें करती हूँ। आपका पोडियम भी आया राइट राजश्री? हाँ मैं सेकंड आई हूँ, वो भी सेकंड मतलब मेरे एज कैटेगरी में मैं सेकंड आई हूँ। ओके वेरी नाइस हाँ लवली नाइस। राची भागने और रिटर्न आते टाइम मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं यहाँ भागी थी क्या, मतलब दोनों साइड खड्डा है और उसकी साइड में जंगल है। गाड़ी में वापस आते टाइम मैं सोची मैं इस, और मट्टी भी क्या ना, लास्ट में मिनिस्टर सब वो लोग सब आए थे ये उधर ये करने के लिए, उनका गाड़ी का गाड़ी जाते टाइम फुल मट्टी धूल सब हमारे फेस पे हो रहा है। मैं सोचती थी ना लोग इधर आ रहे क्या होगा कहता, बाद में देखा तो हम लोगों को ये करने के लिए वो आए थे उधर। ओके भाग इंटरेस्टिंग रही हूँ कहता। पहले आपने समझा नहीं कि आप ही को इम्पोर्टेंस, आपका इतना इम्पोर्टेंस है, आप ही को मिलने के लिए आए हैं। भागते हैं ना हम लोगों को, अभी मेडल पहने को जंगल में भी कोई नहीं। लवली मतलब आप समझ नहीं पाए कि आप ही को इम्पोर्टेंस देने के लिए मेडल पहनाने के लिए आए हैं। राइट आप प्रैक्टिस में भी बहुत भागते हो, मतलब कई बार ये भी लगता है ना इतनी क्या बड़ी बात है हम भाग रहे हैं। बट आई थिंक जो बंदा इतना ज्यादा प्रैक्टिस करता है ना उसको शायद इतना समझ में नहीं आता, पर बाहर हम से लोग जो लोग ना देखते हैं उनके लिए बड़ी बात नहीं, मुझे लगता है हम प्रैक्टिस में जगह ढूंढ के भागते हैं ऐसा सम, वो टाइम में मुझे वो सोच आता है, क्योंकि हम लोग ना अपना इजी ढूंढते हैं भागते टाइम, ट्रेनिंग के टाइम वो है। टफ सब ये करते हैं ना, तब मुश्किल से सामना करते हैं ना, तब लगता है ऐसे जगह पे भी हमको ट्रेन करना चाहिए महीने में एक बार, कि ना बहुत टफेस्ट एक एक रन ना बहुत टफेस्ट लगता है रन,
वो जगह पे करते टाइम हमको फील होता है, लोग सोचते हैं कि हाँ ये लोग को क्या भागते रहते हैं, ये लोगों को ये सब इजी है। इतना इजी भी नहीं है, बॉडी भी नहीं मांगता है और माइंड भी स्ट्रांग रहना चाहिए होता है वो टाइम पे, नहीं तो हम इजी हो गया, गिव अप करना इजी है लगता है, आधे में जाके गिव अप करें तो इसकी गलत लगता है, ऐसा लगता है इतना करके उसका ये नहीं हुआ, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो भी बुरा लगता है। नहीं, एब्सोल्युटली राइट. आई थिंक आपका सिंधगढ़ वाला एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत डिफरेंट डिफरेंट रहा. आई कैन था अंडरस्टैंड. हाँ, वो, फॉर्म डिफरेंट. डिफरेंट था और अंदर भी डर लगता था, इधर कुछ हुआ तो भी पूछने को भी लोग नहीं होंगे। पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ चलेगा है. हाँ बहुत जंगली था और एक स्ट्रीट लाइट भी नहीं था, खाली हम लोगों के इसमें ही भागना था, नाइट क्लब में. इसलिए मैं बोल रही थी। और हम अकेले अकेले भाग रहे थे, एक 4-5 किलोमीटर का इसमें भाग रहे थे हम लोग, मतलब इतना डिस्टेंस में लोग दिखते थे, दूर दूर तक लोग भी नहीं थे, इसलिए थोड़ा डर लगा वो रन में, थोड़ा डर लगा। नहीं, फिर तो आप मुझे लगता है जरूर जाएंगे दोबारा. प्रिपेयर होके जाऊंगी, जाना है तो ऐसे जगह वेरी नाइस, प्रिपेयर्ड होके जाएंगे. पे। एब्सोल्युटली राइट, नाइस. और एक्चुअली टॉक टू मी अबाउट दिस कारगिल विजय दिवस रन. ये आपने मुंबई टू पुणे, राइट, हाँ, वो 2022 चैरिटी रन में. था मेरा ओके. मुंबई टू पुणे, वो अभी 2 ही साल हुआ है वो रन करके। फर्स्ट ईयर मेरा हस्बैंड भागे थे, नेक्स्ट ईयर मुझे उन्होंने बोला तू भाग, तेरे से कितने हो सकता किलोमीटर है ये? है। 145 था वो, 3 दिन का था रन। 3 दिन में 145. हाँ वन ओके. फोर्टी फाइव हाँ. कुमार अजवानी सर ने वो चैरिटी के लिए किया था रन, अरेंज किया था वो रन में मैं पार्टिसिपेट में एक थी उसमें, ओके. और कितनी फीमेल्स थी आपके साथ? कौन, मेरे साथ और एक ही थी, रेशमा शेट्टी, सॉरी, रेशमा शेट्टी कहकर वो एक रेशमा शेट्टी. फीमेल थी। हाँ हम दो ही थे, ओके. तो फीमेल आप, दो ही थे। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि ये हाईवे रन हो गया, राइट, मेन हाँ रोड्स पे हो हाईवे गया. रन है, हाईवे में बहुत रन टफ है क्योंकि हाईवे में क्या होता है, हम लोग बैक साइड से गाड़ी आता है, हम लोगों को पीछे से आता है, हाईवे में आपको मालूम है लॉरी सब कितना फास्ट चलाते, हमको वो भी देखना पड़ता है और सामने का भी देखना पड़ता है, और इतना एक सम टाइम के बाद ना ऐसा बोर लगता है कि कुछ और कितना करना है और कितना करना है, ऐसा मन में आता है। बाद में एक टाइम के बाद हमको तो आप दिन में 60-50 ऐसा करते थे, एक टाइम के बाद हम सब एंजॉय करके भागते थे, ऐसा नहीं है कि बहुत ये करके, तो टाइम टू टाइम चाय पीना, चाय में भी मस्ती मजाक करना, ये सब करके एंजॉय करके भागते थे। पहला ओके. थोड़ा है ना माइंड सेट होने तक, ये उसमें भी बहुत क्रैम्स आता था, पैर पे का क्रैम्स आता था, बैक पेन होता था, सुबह 3 बजे को चालू होता था वो रन, नींद भी हम लोग सोते भी उधर पहुंचने के बाद हमारा दोपहर का खाना भी लेट होता था, 3-4 बजे होता था, मतलब ऐसा प्रॉपर टाइम में हम कुछ ये नहीं करते थे, खाना पीना का भी टाइम के कर नहीं ये कर सकते थे, दोनों देखना पड़ता था हमको, रन में टाइम टाइम में पहुंचने का भी ये करते थे, शाम के ठीक अंदर है. ही करने कवर अप करने के लिए विदिन डे किलोमीटर। करना है. यहाँ एक्चुअली मुझे थोड़ा सा बताइए, एज अ ले मैन इट्स हार्ड फॉर एनीवन टू अंडरस्टैंड. तो आप लोग रात को रुकते कहाँ थे? वो क्योंकि उन्होंने अरेंजमेंट किया था 60 किलोमीटर के बाद, होटल बुकिंग सब उन्होंने पहले करके रखा था, खाने पीने का यार का सब सर ने सब अरेंज करके रखा, इसलिए उसका कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता हमको, स्टार्टिंग से एंड तक उन्होंने सब लोगों को अच्छे से ये करके देखा है। ठीक है. और साथ में आपकी गाड़ी चलती थी? साथ में मतलब उन अरेंज किया ना उन लोगों का और कुछ लोगों का गाड़ी, 2-3 गाड़ी था। फर्स्ट डे मेरे हस्बैंड आए थे क्योंकि वो गाड़ी में लोनावाला तक इधर तक आए थे, हमको लोनावाला तक आए थे, मेरे लिए ओके. गाड़ी लेके आए थे क्योंकि उस टाइम मेरा बेटे का एडमिशन का भी टाइम था, वो एंड तक रुक नहीं पाए,
ओके कॉलेज के एडमिशन का सब देखना था हमको, इसलिए वो नहीं आ। ओके तो राची हाउ डज इट फील, मैं मुझे एक बात बताओ एज ए फीमेल, मतलब अब जब आप इतना रनिंग करते हैं, देखो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं छूट जाता है राइट, व्हेन इट कम्स टू किड्स आल्सो, हम कितनी भी हाँ कोशिश करें कुछ चीजें, जैसे जैसे आपने बोला एडमिशन था, एज अ हाँ मदर देखिए मैं भी एक मदर हूँ तो डेफिनेटली हमारा भी मन करता है कि हम वहां रहें, या फिर आई एम श्योर ऐसे कुछ हाँ कुछ और वो फील इंसिडेंसेस तो ये भी बहुत होंगे। है, वो कहना वो सडनली टाइमिंग का चेंजेस हुआ, बेटे का एग्जाम हुआ, रिजल्ट आया, वो एडमिशन का टाइमिंग नहीं आया हुआ था, ये रन पहले ही ये हो चुका था हमारा, हमने हाँ भी बोल चुके थे, हम लोग ये कर चुके थे। बाद में एडमिशन का आया तो इन्होंने बोला मैं हैंडल कर लूंगा तू जा, मैं वही बोल रही वेरी ना, हर जगह मुझे दोनों का सपोर्ट मिला है, मैं एक एक बार मुझे मन में आता भी है कि मेरे बच्चे को टाइम नहीं दे पा रहे, ऐसा भी लगता है मुझे मन में आता है, फिर वो बोलते हैं चलता है मम्मा तू तेरा साइड कंसंट्रेशन करके, वो नाइस वेरी नाइस आई बोलते ही थिंक थोड़ा अच्छा लगता है कि हाँ बच्चा भी कर रहा है मेरे साथ के। एंड यू आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल, तो पुणे जाके क्या फीलिंग रही आपकी राजश्री? वो पुणे जाके उधर फेलिसिटेशन सब हुआ, वो अलग ही रेस्पेक्ट था, मैंने सोचा भी नहीं था इतना ये करें, इतना ये होता है कहकर, मुझे वो ये फेलिसिटेशन सब देख के अलग ही ये फील हुआ, अलग ही रेस्पेक्ट है वो। वो दर्द बाद में पीछे हम लोग ने हुआ दर्द सब मैं भूल गई वो टाइम में, उतना अच्छा लगा मुझे। होता है रनिंग में क्रैम्स आता है, बैक पेन होता है, नींद नींद ठीक से नहीं होता है सब, फिर वो होने के बाद मिलने का ये रेस्पेक्ट उससे ज्यादा कुछ भी नहीं वेरी नाइसली सेड, आई थिंक ब्यूटिफुली सेड दैट राजश्री। है। तो आई थिंक उसके बाद आपने लास्ट रेस दिसंबर में किया राइट, 2022 हाँ में, दिसंबर 100 किलोमीटर में हेल रेस, वो मेरा तो बहुत बड़ा ड्रीम है और टफेस्ट रन था 100 किलोमीटर जैसलमेर बॉर्डर। हाँ जैसलमेर में, आई थिंक बहुत सारे मुंबई से रनर्स थे वहां पे राइट। बहुत सारे थे, हाँ तो यू पीपल प्रैक्टिस टुगेदर कुछ ऐसा है क्या वहां पे? नहीं ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि हम लोग मैं अलग ही प्रैक्टिस करते थे, मैं और मेरे हस्बैंड के साथ ही करती थी क्योंकि वो भी मेरे साथ पार्टिसिपेट किया है, उन्होंने भी 100 किलोमीटर जैसलमेर बॉर्डर हम दोनों ने साथ ओके में कंप्लीट किया था। ओके हाँ नाइस फिर एक-एक बहुत टफ रन है, मैंने इतना रन किया, वो रन में आप किसी का ये नहीं ले सकते हो, हेल्प नहीं ले सकते हो, कहीं अपना पानी अपने को कैरी करना पड़ता है, 10 किलोमीटर तक आपको कुछ भी नहीं मिलता है, और एक घर नहीं, एक लोग नहीं, वो डरावना था, मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो, मैंने इतना टफ है कि मैंने सोचा नहीं था, सब लोग बोल रहे थे कि वो स्ट्रेट रोड है अच्छा हो जाएगा कहकर, टाइमिंग वो रन चालू हुआ था दोपहर को 12 बजे, भी बहुत 12 बजे, वो इतना एक्सट्रीम धूप, वो धूप में मैं 2 किलोमीटर होते ही मुझे थोड़ा पेट के पास क्रैम्स आने लगा, मैं हंड्रेड के 1 मिनट राजश्री, 100 किलोमीटर्स की रेस में हाँ आपको 2 किलोमीटर्स के बाद क्रैम्प हाँ फील होने लगे, ठीक क्रैम्स है फील होने लगा, मैंने 1 किलो 1 आधा किलोमीटर में चल रही थी, लड़की ने मुझे बोला सॉल्ट का कैप्सूल दो क्या मैडम कैसा, मैंने भी हाँ बोला, लड़की को वो 50 कर रही थी, उसने मुझे 2 टैबलेट दिया, अभी ले लो थोड़ी देर के बाद आप और एक ले लो, आप कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, मैं वो खा के आधा घंटे में मैं स्लोली भागना चालू किया, मैंने सोचा नहीं था मैं 100 कंप्लीट कर, क्योंकि मुझे अंदर से डर लगने लगा क्योंकि स्टार्टिंग ही मुझे क्रैम्स आने लगा, बाद में 50 का भी कट ऑफ टाइम था और 100 का भी कट ऑफ टाइम था, मैं एक ही पेस में भाग रही थी, स्लोली चालू किया मैंने, बाद में 25 के बाद सब लोग मिलने लगे, सब साथ में स्लोली स्लोली भागने लगे, और टाइम के बाद मैंने क्या किया, 300 मीटर भागती थी 200 मीटर चलती थी, ऐसा करने लगी मैं, कंटिन्यूस भी नहीं भागती थी मैं, 300 मीटर भागती थी 200 चलती थी, वो भी उसके ऊपर
पानी भी पीछे आपका, सब सॉल्ट गुड़ सब लेके, वो वेट भी लेके भागना है, वो बहुत ये होता था मुझे। सबसे पहले आई थिंक फॉर द लिसनर्स इफ आई टेल यू, पहली बात तो अल्ट्रा मैराथन में सिर्फ भागा नहीं जाता, बहुत देर हाँ हम लोग वॉक भी करते हैं. हाँ और जैसे कि राजश्री ने बताया 300 मीटर्स रन 200 मीटर्स वॉक, बेसिकली उसी की रिपीटेशंस. हाँ बट जस्ट फॉर लेमन पर्सपेक्टिव, इट इज हार्ड, क्योंकि जब आप चलते हैं ना, चलने के बाद वापस रनिंग के मोमेंटम पे आने में भी काफी दिक्कत होता है, हाँ राइट राजश्री? जैसे आप चलते हैं, चलने के बाद एकदम से रनिंग स्टार्ट करना भी थोड़ा मुश्किल लगता है एक टाइम के बाद, जब आप थक जाते हैं. बट आई थिंक इट्स द माइंडसेट ऑल्सो एंड लॉट ऑफ ट्रेनिंग दैट गोज इन बिफोर हैंड ऑल्सो, जिससे कि हम उस रन के लिए तैयार होते हैं, राइट राजश्री? नहीं, मैं क्या बोल रही हूँ, मैं 50 किलोमीटर स्टार्टिंग में थोड़ा ये हो गई, बाद में कंटिन्यूस भागी 50 किलोमीटर होने तक। 50 किलोमीटर मेरा 6 hour 40 minute में हुआ था, वो भी कितना, शाम को हम लोग 5:40 के आसपास पहुंच गए थे। बाद में एक्सट्रीम ठंड, उधर आपको मालूम है जैसलमेर में जल्दी भी ये होता है, इवनिंग भी जल्दी, डार्क भी जल्दी होता है। मैंने 50 किलोमीटर के इसमें बैगेज रखा था मेरा, मैंने ड्रेस भी सब चेंज किया। बाद में ठंड चालू हुआ, एक्सट्रीम ठंड, उसके बाद थर्मल सब पहना, बाद में मैं बस रन, वो टाइम में मैं रन वॉक कर रही थी। के बाद ना मेरा माइंड सेट भी ऐसा होता है कि अभी थोड़ा चलू भागो ऐसा ऐसा होता है वैसा, इसलिए चलना, रनिंग वॉकिंग रनिंग वॉकिंग। बाद में एंड में भागना चालू किया ऑफिस, ओके, नाइस नाइस. ऐसा है बट आई कि थिंक मिडले में थोड़ा ये भी होता है, ये और कितना बांधना है और कितना भागना है ऐसा लगता है। मुझे ऐसा लगता है राजश्री, 50 to 70 किलोमीटर्स वो वाला टाइम सबसे मुश्किल होता है. हाँ, आपने अगर बहुत 40 मुश्किल कर होता है, लिया, और आपको एक घर भी नहीं है, एक रोड में एक लोग भी नहीं है, ऐसा सब ये जैसा लगता है, लगता है कि कहाँ भाग रहे हैं, एक पेड़ भी नहीं है। एक जगह हमको 70 के बाद एक घर दिखा, वो भी हमको कितना 10:30 के आसपास, 10 o'clock के आसपास, और वो घर के पास एक कुत्ता, उससे पहले हमको कुछ भी नहीं दिखा। और मुझे डर भी लग रहा था कि अगर कुछ हुआ तो लोग भी नहीं है, कि क्या हो सकता है, ऐसा ऐसा सब मन में आने लगा। ऐसा सबको आता है कि मालूम नहीं, मुझे बहुत टाइम तो बहुत डर लगा था। मैं पर आप अपने हाँ, मन को कंट्रोल करके फिर भी भाग रहे मान कुछ भी हो अभी कंप्लीट करेंगे हम लोग, कहकर मैंने हैं. ये किया, अच्छे से किया वेरी मैंने। मेरा टारगेट ना 16 hours का ये था, कट ऑफ का ये था, टाइमिंग था हम लोगों को 100 का ये था, मुझे 15 hours के अंदर करना था, मैंने 14 hours 30 minute में मैंने कंप्लीट, गुड, अलग टाइम लवली, बचा है। दैट्स वेरी नाइस. आई थिंक योर रनिंग जर्नी हैव बीन वेरी नाइस राजश्री. आई थिंक देन लेट्स टॉक अबाउट योर गोल्स. अब आपके फ्यूचर के लिए क्या गोल्स है व्हेन इट कम्स टू अल्ट्रा रनिंग? मुझे एक बार मेरे फ्यूचर में मुझे एक है कि एक बार 12 hours 100 kilometer करना है मुझे, क्या 12 hours में 100 kilometer कंप्लीट करना है, और मुझे ओके एक है कि कार्दुंगला चैलेंज करना है, ओके 72 किलोमीटर. और एक हाँ 72 किलोमीटर कार्दुंगला, बहुत उधर ऊपर ऑक्सीजन लेवल सब कम बोलते हैं, मुझे उसके लिए सब प्रिपेयर होना है, और एक 24 hours का स्टेडियम रन करना है, ये मेरा अभी टारगेट है, करना ही एक है सर। नहीं, वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड वी होप यू विल डू इट वेरी वेरी सून, राइट? थैंक यू राजश्री, टॉक टू मी अबाउट पीरियड्स नाउ, बिकॉज एज ए विमेन, राइट, वी हैव पीरियड्स. तो टेल मी, डू यू रन ड्यूरिंग योर पीरियड्स? फर्स्ट क्वेश्चन. दूसरा, पीरियड्स के टाइम पे आप कौन सा प्रोडक्ट यूज करते हैं? आप पैड्स यूज करते हैं, टैम्पून यूज करते हैं, या मेंस्ट्रुअल कप यूज करते हैं? मैं ये बोलूँ कि मैं पीरियड्स के टाइम रनिंग यही नहीं करती, क्योंकि मुझे पीरियड्स में बहुत प्रॉब्लम होता है, इसलिए मैं रनिंग के टाइम में रनिंग का ये रजिस्ट्री नहीं करती ज्यादातर। आपका फिर भी इवेंट नहीं मेरा, करते हैं, हाँ फिर प्रैक्टिस भी रन मेरा, करते हैं? नहीं मैं पैड यूज करती हूँ, नहीं, प्रैक्टिस रन करते हैं.
प्रैक्टिस, हाँ प्रैक्टिस रन भी मैं 2 दिन के बाद करती, फर्स्ट एंड सेकेंड डे नहीं करती हूँ मैं। ओके, फर्स्ट और सेकेंड मुझे थोड़ा प्रॉब्लम ही होता है, इसलिए मैं नहीं करती प्रैक्टिस रन की। थर्ड डे मैं जिम प्रैक्टिस सब करती। ओके, तो पहले 2 दिन आप कंप्लीटली ऑफ लेते हैं फ्रॉम हाँ मतलब जिम एंड रनिंग। हाँ ओके, वो तो आप अपने दोनों इवेंट भी दिन देख के वो चूज करते हैं ताकि आपके डेट में ना फिर फॉल करे। भी तो इवेंट में मैं हो गई थी। मैं अभी स्टेडियम फर्स्ट स्टेडियम रन किया ना 12 आवर्स का, उसमें मुझे मेरे डेट देख के ये किया था, फिर भी मैं हो गई, फिर भी मैं उसमें उस टाइम भागी हूँ, भाग ओके, पूरा रही हूँ। 12 आवर्स। हाँ भागी हूँ 12 आवर्स। बाद में मुझे थोड़ा टायर्डनेस हुआ था 1-2 दिन, इसलिए मैं बोलती हूँ पीरियड्स के टाइम कुछ प्रॉब्लम है तो भागना अवॉइड करना ही अच्छी बात है, हाँ, डिपेंड मत करता है कि भागो। आपका बॉडी कैसा हाँ है, राइट। और अभी का TMA हुआ था ना, तभी भी मेरा सडनली आ गया था, डेट 1 था, हो गई जल्दी, फिर भी मैंने इतना प्रैक्टिस किया कहकर मैं भागी जिद में। वेरी नाइस। मेरे हस्बैंड ने बोला था मत भाग कहकर, मैं फिर भी मैं गई थी उस दिन भागने के। लवली, दैट्स वेरी नाइस। एंड यू टोल्ड मी यू यूज पैड्स, राइट? ओह गॉड, प्रॉब्लम इट्स टैम्पून और कप्स इज इजी। होता है फिर ये कि लॉन्ग रन में आपको चेंज भी करते रहना पड़ता है, नहीं तो हाइजीन के लिए तो आपको चेंज भी करना पड़ता है, कैरी भी करना पड़ता है, हाइजीन राइट, टू प्लस। यस, इट नीड्स टू बी चेंज, राइट राइट। हाँ आई थिंक राजश्री, वी हैड अ लवली कॉन्वर्सेशन एंड इट वॉज वेरी इन लाइक इंफॉर्मेशनल ऑल्सो फ्रॉम लॉट ऑफ परस्पेक्टिव। तो एनी मैसेज आप किसी विमेन को या जो भी इस चैनल में सुन रहा है, आपको आप कोई भी मैसेज देना चाहेंगे विमेन को या एनी वन इन इंडिया हु वुड लिसन टू दिस? मैं इतना ही बोलती हूँ, आप रन लॉन्ग रन नहीं किया तो भी चलेगा, मैं एटलीस्ट बोलती हूँ 2-3 किलोमीटर के लिए तो भी बाहर आ जाओ कहकर, वुमेन्स को स्पेशली, हाउस वाइफ्स को, क्योंकि हम लोग घर में ही बैठते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर लेते हैं क्या, इसलिए मैं बोलती हूँ सबको थोड़ा अपने लिए भी टाइम निकालना चाहिए। Absolutely, very beautifully said. But thank you so much, Rajshree, for थैंक coming यू, over and spending some time with us. Thank you. थैंक यू।